वर्तमान पंक्ति तब शुरू हुई जब रोहिणी सिंधुरी और जद एस विधायक सा राम महेश की एक टेबल पर बैठे तस्वीर सामने आई। रूपा ने 18 फरवरी को सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या रोहिणी एक राजनेता के साथ समझौता कर रही है। इसके बाद रूपा ने भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार सहित रोहिणी के खिलाफ 20 आरोप लगाते हुए एक पूर्ण सार्वजनिक लड़ाई का रूप ले लिया। रूपा ने रोहिणी की तस्वीरें भी साझा की जो उन्होंने दावा किया कि रोहिणी ने पुरुष अधिकारियों को भेजी। रोहिणी ने इसे प्रतिशोध बताते हुए पलटवार किया और कहा कि रूपा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सार्वजनिक विवाद के बीच आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने मानहानि के आरोप में आईपीएस अधिकारी रूपा डी के खिलाफ कानूनी नोटिस दायर किया है। बुधवार 22 फरवरी को जारी नोटिस में रोहिणी के वकील ने आरोप लगाया कि हालांकि रोहिणी की छवि और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को मुद्रा के संदर्भ में मापा और मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, आईएएस अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। रूपा कुछ दिनों पहले रूपा ने सोशल मीडिया पर रोहिणी पर भ्रष्टाचार अनुचित व्यवहार सहित 20 आरोप लगाए थे और रोहिणी की निजी तस्वीरें भी पोस्ट की थी। रूपा नोटिस पर 50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। दोनों अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाने के बाद कर्नाटक सरकार ने दोनों को बिना पोस्टिंग के स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकरण की जांच चल रही है।